नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग पीडिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ वाटर सप्लाई रिलेटेड से, जैसे कि मैन होल हो गया। तो मैन होल का साइज़ हम कितना दे सकते हैं एज़ पर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। तो जो सेप्टिक टैंक होती है, वाटर टैंक होती है, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम साइज़ कितना दे सकते हैं मैन होल का, वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेक्टेंगुलर कितनी होनी चाहिए, उसके बाद स्क्वायर मैन होल का जो डायमीटर होती है वो कितनी होनी चाहिए, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर आपके पास सेप्टिक टैंक अगर उसका जो डेप्थ है वो आपका 3 फीट से यानी कि 3 फीट तक है, 0.9 मीटर तक है, तो वहाँ पे आप जो रेक्टेंगुलर मैन होल की साइज़ होनी चाहिए वो आपका 900 बाय 800 mm होनी चाहिए। मैं जितने भी डायमेंशन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो आपका mm में है। ठीक है, जहाँ पे अगर मीटर में बताऊँगा तो वो मीटर में होगा, और जहाँ पे mm में बताऊँगा तो वहाँ पे mm में होगा। और जितने भी डायमेंशन है वो आपका इंटरनल डायमेंशन है, क्लियर इंटरनल डायमेंशन है, तो वहाँ पे आप मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो इंटरनल डायमेंशन है फेस टू फेस, ना कि आउटर टू आउटर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका डेप्थ है वो 3 फीट तक है तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर मैनहोल के साइज़ कितने होने चाहिए, 900 बाय 800। अगर आपकी डेप्थ, अगर सेप्टिक टैंक की डेप्थ जो है वाटर टैंक की, अगर डेप्थ 3 फीट से लेके 5.5 फीट तक है, तो अगर आप रेक्टेंगुलर मैन होल देना चाह रहे हैं तो वहाँ पे 1200 बाय 900 यानी कि रेक्टेंगुलर मैन होल की साइज़ होनी चाहिए। अगर हम सर्कुलर की बात करें तो वहाँ पे यानी कि 0.9 900 mm डायमीटर को आप दे सकते हैं, यानी कि 3 फीट को 3 फीट डायमीटर की सर्कुलर मैन होल आप डाया का सर्कुलर मैनहोल प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम बात करते हैं 5.5 फीट से लेके 7.5 फीट तक। तो 5.5 से लेके 7.5 फीट अगर आप सर्कुलर देना चाहते हैं तो 4 फीट यानी कि 4 फीट डाया का आप सर्कुलर मैनहोल प्रोवाइड कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, मैनहोल का पर्पज़ अगर आपको क्लीनिंग करना हो, यानी कि सीवेज वहाँ से निकालना हो, चाहे एक मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए मैन होल दिया जाता है, तो ये चीज़ सब आप मैन होल का ये होता है कि जो जब हम कोई इंसान अगर उसके अंदर जाए तो वहाँ पे वो प्रॉपरली वहाँ पे इजीली उसके अंदर जा सके। तो इसीलिए जो आप ये भी देख सकते हैं कि मैन होल देने का साइज़, आप ये भी देख सकते हैं जो इंसान का प्रॉपर विड्थ कितना होता है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए क्लियरेंस ले सकते हैं। इस तरीके से भी मैन होल का विड्थ डिसाइड कर सकता है, तो जितना मैन होल का साइज़ होनी चाहिए वो आप उतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर द डेप्थ ऑफ 7.5 फीट से लेके 14 फीट तक, उसके लिए आप 5 फीट डाया का सर्कुलर मैन होल दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी मैंने डायमेंशन बताए वो आपका इंटरनल डायमेंशन है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।